नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। दिल्ली वासियों को 6 महीने बाद आज फिर से मेट्रो चली दिल्ली में। कोरोना महामारी के बाद करीब 6 महीने के लंबे समय के बाद दिल्ली में दोबारा मेट्रो का परिचालन शुरू किया गया है। इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है और पूरी तरह से एहतियात बरतने की लोगों से अपील भी की है। साथ ही मेट्रो स्टेशन के गेट पर सीआरपीएफ के कर्मचारी भी तैनात हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मेट्रो में यात्रा करने के लिए जो सवारी स्टेशन के अंदर जा रही हैं, उनको सैनिटाइज कर उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की गई है, ताकि यात्रियों के बीच उचित दूरी बनी रहे और बिना मास्क के यात्रियों को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ में ना टोकन दिया जा रहा है था और ना ही कैशलेस से टोकन दिया जा रहा था, मात्र मेट्रो कार्ड ही इस्तेमाल किया जा रहा था। लोगों का कहना है कि दिल्ली मेट्रो चलने से लोगों को काफ़ी राहत होगी और पैसेंजर को भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। मेट्रो में एक सीट पर एक ही पैसेंजर सफ़र कर रहा है। फिर से दिल्ली से राजू तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मैम अपना नाम बताइए। दीपिका मैम, जिस तरीके से दिल्ली में आज 6 महीने बाद मेट्रो चालू हुई है, आज आपको कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप सफ़र करेंगे मेट्रो 6 महीने के बाद? अच्छा महसूस हो रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में अभी मेट्रो के बिना डिफिकल्टी हुई थी बसेज वगैरह में आने में, तो मोस्टली मैं तो ट्रैवल कैब से करती थी, कैब में रेंट भी बहुत ज़्यादा लगता था, तो मेट्रो के कन्वीनियंट हो गया। तो मेट्रो में जो अभी किराया है वही पुराना है या कुछ बड़ा है? सुरक्षा को लेकर के आपको वहाँ से यहाँ तक किन किन प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ा, जैसे कि कोरोना टाइम में चल रहा है सेफ्टी के लिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं अभी तक मेट्रो में यूज की जा रही हैं? अभी इन्होंने बाहर सैनिटाइज करा, हैंड्स को सैनिटाइज करा, बाकी जो हमारा सामान है उनको सैनिटाइज करा, अभी तो सब नया प्रिकॉशंस ले रहे हैं। क्या मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा? अभी तो कम लोग हैं, होना चाहिए। अभी आप कहाँ जा रही हैं यहाँ से? राजीव चौक से गुड़गांव जा रही हैं। नाम बताइए। अभी कहाँ से सफ़र कर रही हैं आप? मैं कश्मीरी गेट से, येलो लाइन। तो मैम आप वहाँ से जब चली हैं तो आपको क्या क्या सेफ्टी मिली मेट्रो में अंदर आने के लिए? ऑल आर सेफ्टी इज देयर, बहुत अच्छी तरीके से लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा सेफ्टी होगी इसमें। कैश भी नहीं अमाउंट ले रहे हैं, आपका कैश जो भी अमाउंट था पहले तो कूपन नहीं दे रहे, टोकन नहीं दे रहे हैं, वो सेफ्टी स्मार्ट कार्ड होना चाहिए सबके पास, आरोग्य सेतु होना चाहिए सबके पास। जैसे कि आज 6 महीने के बाद मेट्रो चली है, आपने 6 महीने आज पहली बार सफ़र किया है, तो आपको कैसा एहसास हुआ, कैसा महसूस हुआ सफर में? मैं बाय मेट्रो ट्रैवल करती थी और उसके बाद क्या था, मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि बस से ट्रैवल करना सेफ्टी नहीं हो रही थी, मेट्रो से आज मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे ठीक लग रहा है। तो अभी वहाँ से यहाँ पर आप कहाँ सफर? राजीव चौक एग्जिट करना है मेरे को नेक्स्ट लाइन। तो मैम मेट्रो के अंदर क्या सेफ्टी थी क्या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के? सोशल डिस्टेंसिंग से एक सीट पे एक ही है, अभी तो वैसे भी पब्लिक ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही है, उस अकॉर्डिंग भी है, स्पेस ले रहे हैं सब, बाकी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस ले रहे हैं। सर आज हमने देखा कि मेट्रो जो है अभी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो हमने यात्रियों से बातचीत किया उसमें ज़्यादातर लोगों को ये चिंता थी कि जब सारी लाइनें खुल जाएंगी तब क्राउड कैसे कंट्रोल होगा और तब क्या स्थिति रहेगी, उसके लिए सीआईएसएफ की तरफ से क्या तैयारी है? ये चुनौती तो रहेगी जी, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ जी, इसीलिए शुरुआती दिनों में जो हमने व्यवस्था की है जी, ये इसलिए की है ताकि हम एक टेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं जी, और जब पूरी भीड़ स्टेशन पे आना शुरू करेगी जी, उस समय तक हमारी व्यवस्था और पुख्ता हो जाएगी जी। तो हमारी कोशिश यही है कि कॉन्टैक्टलेस ब्रिथिंग रहे जी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो जी, और साथ ही साथ जो एसेट्स हैं जो हमारे मेट्रो स्टेशन हैं और जी, वो सुरक्षित रहे। सर सीआईएसएफ के बहुत सारे सुरक्षा कर्मी कोरोना की चपेट में आए थे, खासतौर पे एयरपोर्ट पे और मेट्रो स्टेशनों से भी आए थे, अब जो है उनको बचाए रखना भी एक जिम्मेदारी का काम है, उसके लिए आप लोग क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्या उनके डेली बेसिस पे कोई चेकिंग हो रहा है या टेस्ट हो रहे हैं? डेली बेसिस पे टेस्ट तो नहीं हो रहे हैं जी, लेकिन उनकी चेकिंग निरंतर होती है जी, और हमारा जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि उनके निवास स्थान से जी, उनके
वर्क प्लेस तक जी जो उनका जर्नी है हाँ। और दोनों जगहों पर कंटैमिनेशन ना हो पाए इसके लिए व्यवस्था की गई जी। साथ ही साथ अगर कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं जी हम फौरन उसको क्वारंटीन की व्यवस्था जी करते हैं जी। कोई कर्मी अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आया जो जी संक्रमित हो जाता है जी तो उसे भी फौरन हम क्वारंटीन करते हैं जी और उसके टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। एक आखिरी सवाल, मेट्रो के जो मुसाफिर हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ के सहयोग की जरूरत है इस वक्त, तो आप चूंकि सुरक्षा की सबसे बड़ी एजेंसी हैं जिसके पास ये सारा जिम्मा है, इस नाते आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा जो पैसेंजर्स हैं उनसे एक ही अपील है कि आज के दिन में जब रिस्किंग या कॉन्टैक्टलेस करने की व्यवस्था की गई है तो उनसे मेरा अपील है कि वो कम से कम मेटालिक ऑब्जेक्ट्स अपने साथ कैरी करें जी और कम से कम बैगेज कैरी करें ताकि रिस्किंग जो है वो शीघ्र पूरा हो सके और रिस्किंग पॉइंट पर भीड़ ना। तो यही अपील है जी। हमारी ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारी कोशिश है जी कि कोई संक्रमित ना हो इसके लिए व्यवस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद।